Hey everyone, welcome back to Chot and Chat. My name is Josh. I'm Miguel. And we are watching Swadesh. This is part 2 of 3, so if you have not watched part 1, go and watch it. I'll put the link in the description below. And then join us back here for part 2. Or agar ab tak nahi kiya, subscribe karo, share karo, a like button pa thappar maro. Vaare kumkaran ke neend. Kaveri amma, kyun jaga rahi ho? Bahut dinon se itni gehri neend nahi soya. Chalo. मेहमान 11 बजे आ रहे हैं, घर की साफ सफाई करनी है। क्या हो रहा है? कौन आ रहा है? गीता को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? गीता की शादी? तुझे रात को बताना ही भूल गई। If you're interested, you better jump on that quick. लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मतलब? मतलब इतनी क्या जल्दी? अभी तो बच्ची है। हाँ? अजीब बात कर रहा है तू? A jeep man? I wonder if he's gonna... He's gonna give him a talking to. Scare him away. Maybe. Or just ask him some things and make him feel inferior or something. She's a prize. Yeah. This is Geeta. नमस्ते, ये रघुनाथ। नमस्ते। नमस्ते। सुना है आप यहाँ स्कूल चलाती है? जी। हमारा तो केमिकल्स का बिजनेस है। अच्छा। Is it always this awkward? I mean, I haven't experienced this, so I don't know, like. I mean, it's because you have two people that have never really met in person that right. are talking about maybe spending the rest of their lives together. So I yes. think it's always going to be a yes. little bit of awkwardness. And then the mom and dad are there, and I'm just kind of like... And her mom and dad would normally be there mm-hmm. and sitting down and talking to them. Uh-oh. It's not looking good. Watch where you throw your cigarette, dude. आपकी ये शर्त मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है. स्कूल में पढ़ाना मुझे पसंद है. वो मेरी इच्छा है, लगन भी. और ये काम मैं शादी के बाद भी करना चाहूंगी। लेकिन हमारे घर में स्त्रियों को बाहर काम करने की इजाजत नहीं है। Oh, very traditional, I take it. अगर आपके बेटे में जीवन में कुछ कर दिखाने की और समाज में अपनी जगह बनाने की इच्छा है तो क्या लड़कियों को ये इच्छा नहीं हो सकती? सही कह रही हैं। शादी के बाद क्या घर और बच्चे आदमी के उतने ही नहीं जितने औरत के? तो फिर दोनों मिलकर एक दूसरे के सहायक क्यों नहीं बन सकते? Yeah, absolutely. ये बात शायद हमें यही छोड़ देनी चाहिए। क्षमा चाहती हूँ शारदा जी, विश्वास जी। कोई बात नहीं। He's like, he's yeah. kind of like, and I'm he's all happy. He's trying not to be happy, but at the same I'm like time, going, he's, I'm happy. Yeah, his mannerisms are definitely not. That was actually a pretty good. Really good acting. It conveyed really well. Yeah, so well. I mean, I got it. Yeah, for sure. And he didn't smile, but you still felt it just in the way his yes, body moved. Yes. You know, it, really good acting. Now he can smile. Yeah! बेटा वो अच्छा लड़का था. समय के साथ-साथ इंसान के सोचने का तरीका बदला भी तो जा सकता है. आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन मान्यताएं दख्यानुसी विचार और जिद नहीं। मुझे पूरा यकीन है उनकी अगली मांग दहेज की रकम। Quite possible. इसी तरह के विचार, ये रीति रिवाज, परंपरा, ये सब देश को जकड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ेगा। हम देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कावेरी जी, लेकिन ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। निजात पात, बढ़ती आबादी, अनएम्प्लॉयमेंट, भ्रष्टाचार, हमारी हालत बहुत खराब है। इट्स पैथेटिक। नमक दे। That's not a good word to use. कि सरकार इन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रही है। देखते हैं क्या हल निकालती है सरकार। सरकार कोशिश कर रही है, योजनाएं भी बना रही है। हाँ, कोशिश कर रही, योजना सिर्फ योजनाएं बनाना या उनके लिए फंड इकट्ठा करना। They're coming together. ग्रास रूट पे ये योजनाएं ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं, आम आदमी तक वो सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं, क्या ये सब देखना सरकार का काम नहीं? हाँ है। There's the teamwork. एक सिस्टम है जिसका जनता भी एक हिस्सा है। हम, तुम, ये गाँव, यहाँ के सारे लोग इस सिस्टम का हिस्सा है। अब अगर इस सिस्टम में कोई कमी हो तो उसे ठीक करना हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की। यहाँ पर कुछ बदलने वाला नहीं है। लोग
लोग बदलना ही नहीं चाहते। तुम इन सब के लिए कुछ कर रहे हो? नहीं ना। Excuse me. At least तुम्हारी तरह सरकार का बचाव तो नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी और दाल लोगी? नहीं। They agreed on something. Mm-hmm. I'm trying to make this a better place. गीता, तुम भी typical Indian। तुम हिंदुस्तानी कभी अपनी गलतियाँ नहीं मानते। तू हिंदुस्तानी? Sorry, yeah, I mean. Dude. हम हिंदुस्तानी। Jeez. तुमने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। बिल्कुल नहीं। Yes, you have. No, I haven't. लड़ाकू है। तू भी कुछ कम नहीं है। Mm-hmm. उसकी पसंद का लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से स्कूल का केस। जब तक ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, तो मेरे साथ नहीं चल सकती। That's an interesting detail too. His water bottle. Yep. The lips on the water bottle. Normally they would just pour it in their mouth. It shows that he's not from their area. Oh, he's wrestler and postmaster and postman. पहलवानी तो हम बचपन से करते आ रहे हैं और कुश्ती लड़ना अपना शौक है. I love it. वैसे आप कितना पढ़े? मेरा मतलब इस पोस्ट के लिए तो काफी मेहनत की होगी आपने. ग्रेजुएट हैं. बड़े नसीब वाले. मुझे तो गांव के बच्चों के ऊपर तरस आता है. वो का है? बताता. इस स्कूल के केस के बारे में आपकी क्या राय है? स्कूल का केस सीधी सी बात है. स्कूल को यहाँ से हट जाना चाहिए. ये पंचायत की जगह है. इसलिए तो मुझे गांव के बच्चों पर तरस आता है. अब बच्चों की जिंदगी पर सिर्फ चौथी पास होने का क्या फर्क पड़ेगा? अगर बच्चों को आपकी तरह बड़ा बनना है तो उन्हें हाई स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा. बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, लिखना सीखेंगे. और तो और, अपने माँ बाप के लिए खत भी वही लिखे. जरा सोचिए आपका कितना सारा बोझ कम हो जाएगा. He's working it. हम गाँव में बात चलाएंगे. जरूर कीजिएगा. पक्का पक्का. मोहन बाबू जी. Can you wrestle? आइए हमारे अखाड़े में भी कभी. जरूर आऊंगा. कुश्ती वुश्ती हो जाए. जरूर. Careful, buddy. Careful, man. Postman's gonna take you down. ये रहे पकोड़े शिमला मिर्च तंदूरी के संग. खाइए सर. आज. Oh, I love pokore. Sorry, मेला राम. कुछ मत कहिए सर. मैं जानता हूँ आप क्या पूछने वाले. क्या? I will give you 60%. Yeah? हाँ. मैं आपको पार्टनरशिप में 60% दूंगा. Okay. Okay. आपका खाना पीना भी फ्री. मैंने नाम भी चेंज कर दिया. We can call it मोहन का मेला राम धावा या फिर मेला राम का. He is such the entrepreneur. I love it. ठीक है सर. तो डील डन सर. लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी. कैसी मदद सर? मैं तुम्हारे बिरादरी के बच्चों को स्कूल में भिजवाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत. ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है. तो तुम्हारा अमेरिका जाना भी डिफिकल्ट काम है? इजी है सर. वैसे कौन ठाकुर हो तुम? मैंने जात कहाँ है तुम्हारी? जी मैं ब्राह्मण. तो वही तरह आचरण करना भी सीखो. मेला राम के हाथ का खाना खाते हो. उसकी जात का है ये पता है तुम्हें? कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? हमार धर्म भ्रष्ट करने पर काहे तुले हो? खुद तो भ्रष्ट हो ही, हमें भी भ्रष्ट करना चाहते हो? अनिवार्य जी, लागत है आपका निर्वाण तो ये पहले ही कर चुके. जो सही लग रहा है वो हम कर रहे हैं. आपको एतराज है तो आप मत मानिए. He's getting his little pack here. Yeah. They're gonna raise the change flag. अरे ओ बिरसा, ये मोहन बाबू हैं. तुम्हारे संग बात करे चाहते हैं. हम आपसे सिर्फ ये पूछने आए थे कि क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे? लेकिन हुजूर अभी शादी ब्याह की उम्र में पढ़ाई करके क्या करी? और वो हमारी लजवा का अब गौना भी आवे वाला है. वाओ. चाइल्ड मैरिज. पढ़ाई खर्चा कहाँ से देबे? गीता जी सिर्फ पैसों के लिए स्कूल नहीं चलाती, बच्चों को पढ़ाना उनकी लगन है. गांव वाले हम लोगों को नहीं चाहते. देखिए देखिए आप
इन बच्चों के नसीब में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है सर। फिर आपने क्या सोचा बिश्नोई जी? पढ़ाई से पेट नहीं भरता बाबू, और फिर आगे चल के जब यही काम करना है तो काहे बखत खोटी करें। इस मटके को कितने में बेचते हैं आप? 30 रुपया में। क्या शहर में इसकी कीमत 100 रुपए से कम नहीं होगी? अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते तो इस तरह घाटे में नहीं जाते। गौरन जी, मैं मानता हूँ आपकी कारीगरी बहुत उम्दा है, लेकिन आज के जमाने में पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्यों नहीं बहन जी? बिल्कुल, बहुत, क्योंकि पढ़ लिख कर आपके बच्चे इस कला को उसका सही अंजाम दे पाएंगे। हमें और सपने मत दिखाई। It seems like they've just been in this life for generations that they've and they accepted it. And they can't feel the break. They don't want to even think about it. Yeah, it's like... Namaste, Varun ji. Aayye, Varun ji. Now this is going to be a tough one to break. Hamare dono pote school jaate hain aur shiksha ke mamle mein hum bilkul sajag hain. लेकिन मैंने सुना है आपकी दो पोतियां भी हैं और दोनों ने ही स्कूल छोड़। दोनों चौथी पास है, फिर आगे पढ़ लिख कर क्या करिए? घर का कामकाज सीख रही हैं, खाना बनाना सीख रही हैं। शिक्षा तो लड़कियों में आत्मविश्वास जगाती। क्या आप नहीं चाहते आपकी पोतियां पढ़ लिख कर स्वाभिमान, हथेलियां सिर्फ मेहंदी के लिए नहीं होती? अरे ये, लेकिन गाँव में हाई स्कूल भी तो नहीं है। मिसवा गाँव में तो है, वहाँ भेज देते, लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि गीता जी यहाँ पर हाई स्कूल शुरू करने वाली। सहयोग दीजिएगा। Starting to show them how their thinking is. Oh, the girls are looked excited, right? Yep. लेकिन आप कब तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर जात पात को थोपते रहेंगे? अरे हमें क्या करना है चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताने वाले तुम कौन होते हो भाई? अपने गांव घर के मामले में हमें का फैसला लेना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, अरे सब में नुकसान तो बच्चों का ही हो रहा है ना। बहस मत करो भाई, बहस मत करो। पिताजी, 2 दिन के लिए आए हो, घूमो फिरो, गांव देखो, काहे चक्करों पड़ो। चरणपुर में सिनेमा देखने। अरे आज शाम को पंचायत की तरफ से सिनेमा दिखाने का प्रोग्राम है, आओ देखो, मौज बनाओ। Okay, so he's going to be the tough one to convince. Mm-hmm. This is cool. Okay, sir. Milte hain. Kyun, kahan ja rahe ho? Picture nahi dekhoge? Nahi sir, main yahin baith kar dekhunga. Aap dekhiye. Cuz again they can't intermix the casts. I don't know. I've never seen this before. There's one group on one side and then yeah. Waise kaun si film dikha rahe hain? यादों की बारात। किसकी बारात? यादों की बारात। मैंने सुना तुम्हारी बारात। Shut up. They're reading it all backwards, so one side gets to see it and the other side doesn't. Well, they see it, but it's just flipped. यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। Oh, bringing back memories. I'd listen to the radio with Dadu, mm-hmm. and it'd be on the oldies station, and we'd hear these songs all day. All the elders are like mouth open. Wow. Oops. I like how they're slightly leaning into each other. A little, yep. And just ever so slightly, it's like, I just want to let you know that I am kind of into you. Oh, oh no. No. अरे क्या हो गया भैया तुम्हारे उसमें? बिजली चली गई। कितना समय लगेगा तुम्हारे उसमें? अब जनरेटर चालू करने में 20 मिनट लगेंगे भैया। सोलर, he needs to get them some solar. Oh, that would be cool. Mm-hmm. Oh, he go get his RV. Go get your RV. अभी कोई भी बच्चा रोएगा नहीं, सब चुप चुप यहाँ बैठ, सब उधर के बच्चे भी रो मत, ऊपर आसमान की तरफ देखो और बताओ क्या दिखता है।
Tare. Tare. Very good. बताओ कि तारों से बना हल दिखता है? नहीं। देखो मैं दिखा था। वो वाला तारा आसमान में सबसे उजला तारा दिखता है? हाँ। उसी के बाजू दाएं में एक ही रेखा में तीन और तारे। हाँ। सब तारों को एक साथ देखने की कोशिश करो। ध्यान से। कि अगर हम इन तारों को मिलाकर देखें तो कुछ भी बनता है, हम कुछ भी बना सकते हैं। मेटाफोर। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा। Look, I want to see, I want to see. Oh, she got to think about it a little bit, using the kids together. A little bit, yeah. Kids don't care. No. And, you know, kids learn the stuff from their parents. Absolutely. गीता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ और कावेरी अम्मा से मिलो। तुमने स्कूल के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आई लाइक टू थैंक यू, लेकिन तुम कावेरी अम्मा को यहाँ से नहीं ले जा सकते। क्यों? तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा घर संभाले और घर के सारे काम करे। क्या बकवास कर रही है? वो मैं थी जो उन्हें यहाँ लेकर आई। शायद इसलिए कि तुम्हें किसी की जरूरत थी जो चीकू के साथ साथ तुम्हारे घर की देखभाल करे। Yeah, he turned it back towards her. और तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना? हमारे पास। But he doesn't have घर वाले। सिर्फ तुम्हारा हक नहीं बनता उन पर। मैं मानती हूँ कि तुम उनके लिए बेटे की तरह हो और वो तुम्हारे लिए माँ समान। लेकिन मेरी भी माँ है वो। मैं तुम्हें कावेरी अम्मा को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। So marry me and we won't have to take her away. तुम्हें चाहे अच्छा लगे, ये पूरा। Oh yeah, that wasn't tactful. Yeah, that was rough. Yeah, and she's gonna be upset that they. We're talking about her like that, like she has no say in the matter. Okay. Wow. I guess. Kaveri amma. Go wrestling. अब मेरे लिए लड़का देखना बंद कर दीजिए. मैंने फैसला किया है. मैं शादी नहीं करूंगी. क्या कह रही है तू? मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ. जबरदस्त बहाना बनाया कावेरी अम्मा को यहाँ रोकने का। गुड। तुमसे शादी करेगा कौन? नहीं नहीं, सुंदरता में कोई कमी नहीं, पर ये नकचढ़ापन, दर्जन भर असूल। अच्छा हुआ ये बुखार खुद ही उतर गया। वैसे एक सिर पर है जो तुमसे शादी कर सकता। कौन? मोहन। Yes. Perfect. Oh, he said her. You're waiting for someone who makes me feel like for a girl like you. तुम चीकू के दिमाग में उल्टी सीधी बातें क्यों भर रहे हो? उल्टी सीधी बात? क्या मैं बच्चों को यहाँ इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि वो विदेश चले जाए और तुम्हारी तरह वापस कभी ना लौटे? You NRI, non-returning Indian. Okay. Oh.
That's the first time I've heard that. I haven't heard that before. It says non-resident Indian, NRI. But non-returning Indian. Okay. सुनो नहीं पहले तुम सुनो क्या है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो गिटली क्या हाँ गिटली और तुमने उस आदमी को डांटा मुझे बहुत अच्छा लगा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे बहकाओ मत कावेरी अम्मा यही रहेगी मेरे साथ गलत समझ रही तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती बच्चों से ज्यादा तो तुम्हें शिक्षा की जरूरत है यस टीचर पुकारते रहो अपनी कावेरी अम्मा को कावेरी अम्मा Don't mind me, I was just, you know, dusting around here. Mm-hmm. You kids make a cute couple. She sees it. Mm-hmm. हमारे देश की पांच महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? Sorry, teacher ji, मैं late हो गया. अबे यार. आज मैं तुम्हारी क्लास लूंगी. Oh? पहला सवाल. भारत की पांच महत्वपूर्ण नदियों के नाम बताओ तुम बोलो मुझे सोचने दो Get the easiest one first. गंगा जमुना नर्मदा भारती विद्या तुम बोलो गंगा जमुना नर्मदा गोदावरी और ब्रह्मपुत्र शाबाश दूसरा सवाल उत्तर पश्चिम भारत में जो नया राज्य बना है उसका नाम क्या है ये मुझे मालूम उत्तर प्रदेश का हिस्सा था राइट चिकू तुम बोलो उत्तरांचल मुझे मालूम था मैं भूल कैसे और अब आखिरी सवाल अगर हमारे नए विद्यार्थी को इस सवाल का जवाब नहीं आया तो हम उसे निचली कक्षा में भेज देंगे It's interesting. He hosted a show called Kya Aap Panchvi Paase Tez Hain, which is like, are you smarter than a fifth grader? And so this is really interesting to watch. Ashok Chinna par Siha ke kitne sir hai? Ye to aasan hai. Teen. Nahi To aaj humne ye sikha ki videsh mein gyan praapt karne se pehle हमें अपना देश अच्छी तरह से जान लेना चाहिए wow. गंगा और जमुना का संगम इलाहाबाद में होता है नया राज्य उत्तरांचल भारत का 27वां राज्य है जिसकी राजधानी देहरादून है और ये उसी भूमि पर है जहां महाभारत लिखी गई थी अशोक चक्र गोल गुंबद पर स्थित है और चारों तरफ चार जानवरों से घिरा हुआ है पूरब में हाथी अश्व दक्षिण में और उत्तर में सिंह Did he miss him on purpose? Yeah, it seems that way. He knows a lot. Gita sab saaf ho gaya. Gita, main tumse. Da! Oh, that was intense. Ki dono chahte hain ki hum inki dono bachchon ko school mein bharti kare. Mohan Babu ne jo kaha, man ko bha gaya. जो हमारे साथ हुआ वो बच्चों के साथ नहीं होने देंगे दशहरे की सुबह आप इन दोनों को यहाँ ले आइए उसी शुभ अवसर पर हम उन दोनों का पाठशाला में दाखिला कर देंगे जी अच्छा Milk it, dude. Milk it. Yeah, I was just gonna say. Mohan? She knows he smokes. Yeah. यहाँ कुछ कोस दूर कोड़ी नाम का गांव है वहाँ पर गीता के पुरखों की जमीन है एक किसान हरिदास ने किराए पर ले रखी है कई महीनों से किराया नहीं भरा है उसने तू वसूल कर लिया मेरे जाना जरूरी है आप किसी और को भेज दीजिए अगर तू जाकर मांगेगा ना तो शायद दे देगा तो आप चाहती है मैं कलेक्टर बन जाऊँ ओके मुझे इस कैरवन में डीजल भी भरवाना होगा तुझे अब भी निकलना होगा अभी हाँ तेरी कारवां नहीं जाएगी वहाँ नरसिंगा तक 3 घंटे रेल में फिर नदी पार करके मानगांव फिर बस से 3 घंटे वाओ बस फिर तो पास ही में है
हाँ कल शाम तक तू वापस भी आ जाएगा और मिलाराम तेरे साथ जाएगा। कावेरी अम्मा, हाँ मेरी छुट्टियां खत्म होने को आ रही हैं, आपने क्या सोचा? पहले तू ये काम तो करा। She's playing a game. I don't know what the game is yet, but she's playing a game. तुम मोहन को क्यों भेज रहे हो? कुछ ही दिन पहले मैंने हरिदास को संदेशा भेजा था ना। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। Yeah, but I don't know what you're doing. There's some sort of setup here. अच्छा चलता हूँ कबीर। मोहन भैया, मेरे लिए खिलाना लाओगे ना? जरूर लाऊंगा। Give me 5. Yes. She gave him a pretty good whack. और तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं, लेकिन कावेरी अम्मा के लिए मुझे जाना होगा। मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना। I mean, don't miss me too much. मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। ये तुम्हें किसने कह दिया? तुम्हारी आंखें। Yeah. He's a rascal. Oh, there it is. She turns around. Maybe he will turn around. She's smitten. Oh, they got to where they needed to be. मैं मिला राम और ये मोहन भार्गव जी। कहिए। जो कावेरी जी और गीता जी ने भेजा है जमीन के किराए के बारे में। आपको ये तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेहमान भगवान के समान होता है। जो है चार कौर खा के बात करते हैं। अब देने लायक होता तो खुद ही चरण पर आ जाता। खेती किसानी करने से पहले मैं जुलाई करता था। मशीनों का बढ़िया कपड़ा आने लगा तो करगे का मुंह सूख गया। फिर मैंने हाल पकड़ा, गीता जी से जमीन किराए पे ली। सोचा था पसीना फसल बन के लहराएगा तो बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी, पर सब धरा का धरा रह गया। कैसे? किसानी करने पे मैंने अपना पेशा बदल दिया था। गांव के सब बड़े मुझसे अलग हो गए और मेरा निकाला हो गया। मैं रोया, घिड़घिड़ाया, पर सुनता कौन? खेतों की सिंचाई के लिए किसी ने एक बूंद भी पानी नहीं दिया और जो बची उसको खरीदने से हाथ खींच लिए। इसी कारण गीता जी का किराया भी रुक गया। ये तो गलत है, ना इंसाफी है। बल्कि मैं अपने जीते जी तो बच्चों को दो रोटी खिला नहीं सका। गीता जी के पैसे, मजबूरी और शर्म के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। Now the significance of giving them the food, when he's like they don't even have the food for themselves, and that is how much respected guests are in the community, right? It's like you're our guest and we're going to treat you this way. Yeah. Bura mat maniye. Ye kuch paise hain, aap rakh lijiye. Aapki badi meharbani Mohan ji, par ye main nahi le sakta. Please Haridas ji, aap rakh lijiye. Jab aapke paas ho tab lota lijiye. Ye chho, ye le. Aur akele mat khana, behno ko bhi dena. It gives him a lot to think about. I think he had like plans for mankind, but now he's realizing it needs to happen on a much smaller basis, just around him. This is the first time he's drank water not out of a bottle.
Nice catch. Give him his cup back. Now he's understanding a little more. All right, we're going to take another break here. That was part two. Be sure to join us back for part three. And if you haven't already, please consider subscribing, sharing, and like button.